लव्य व्यवस्था अध्याय 20। लव्य व्यवस्था अध्याय 20। प्राणदंड के योग्य भांति भांति के पापों का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि इसराइलियों में से व इसराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवाह करे, और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में नाश करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओ वा भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, वह तो व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, सो इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पतोह के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई जिस रीति से स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो तू उस स्त्री को और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्नतन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्नतन देखे, तो यह निंदित बात है, वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाए। क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी कृतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़ने वाली ठहरेगी, इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाए। और अपनी मौसी व फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नग्न करता है, इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा।
और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। और यदि कोई अपनी भौजी व भयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल देवे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुमको और देश के लोगों के अलग कर दिया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु व पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है उससे अपने आप को अशुद्ध न करना, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों का पत्थरवाह किया जाना, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा।